हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश सर, आप देख रहे हैं पेशगान चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पीवीसी वाल स्टिकर के बारे में बताएंगे और ये वाल स्टिकर हमने कितने में परचेज किया और इसकी कितनी साइज है और आपको ये चिपकाने के बाद कैसा शो होता है, तो कैसा आपका अनुभव रहता है चिपकाने के बाद, तो ये सभी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। और ये देखिए, हमने 220 रुपये के लगभग खरीदा था, लेकिन ये सेल में हमने परचेज किया था। ऐसे आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ सकता है, अभी मैं इसकी प्राइस चेक कर रहा हूँ तो 300 रुपये के लगभग बता रहा है, लेकिन ये काफ़ी बड़े साइज का आता है और एक पोर्शन की दीवार आप कंप्लीट है आसानी से कर सकते हो। तो चलिए इसको ओपन करके बता देते हैं हम। ओपन करने पे मैंने पहले से इसको ओपन कर लिया था, लेकिन डेमो तौर पे आपको बता रहा हूँ कि भाई इसमें किस तरीके से आया था ये। इसके सील पैक आई थी ये पन्नी में, ये हमने खोल के आप बता दिया आपको। और इसकी साइज देख सकते हो, 45x600 सेमी, यानी 45 सेमी तो आपका चौड़ा है और 600 सेमी लंबा है। आप ज़रूरत के हिसाब से आपको एक रोल मंगाना है या दो रोल मंगाने हैं, वो आप मंगा सकते हैं। तो इसको कम्प्लीटली हम बताएंगे आपको कि कितनी बड़ी साइज आई है इसकी और ये दिखता कैसे है। यदि आपको भी इसी तरीके का वाल स्टिकर खरीदना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, वहाँ पर इसे जाके आप बाई कर सकते हो। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारा फाइनली ये हमने बॉक्स से निकाल लिया है, ये इस तरीके से हमें प्राप्त हुआ है। और ये देखिए, इसकी मोटाई देख सकते हो आप, इतनी मात्रा में हमें ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये रोल एक रोल है जो मुझे 220 रुपये का पड़ा। अगर आप ज़्यादा खरीदना चाहते हो तो दो रोल भी खरीद सकते हो। और ये 45x600 सेमी इसकी साइज है, तो हम इसे ओपन करके बताते हैं आपको। देखिए, इसको ये टेप रिमूव कर देते हैं। ये देखिए, यदि आप थोड़ा महंगा कॉस्टली लोगे तो और इसमें कई डिज़ाइन हैं, 2500 तक के भी इसमें वाल स्टिकर आ रहे हैं, लेकिन हमने बिल्कुल निचले स्तर का ख़रीदा है क्योंकि ये वाटरप्रूफ होता है, गंदा भी होता है, आप इसे आसानी से साफ़ कर सकते हैं। तो आसानी से आप इसमें डस्ट वगैरह या फिर कोई अन्य पेय पदार्थ भी लग जाए तो आप आसानी से इसे रिमूव कपड़े गीला कपड़ा करके हटा सकते हो और आसानी से हट जाएगा। और ये देखिए, स्टिकर नुमा आता है, इसको स्टिकर को हटा के आप वाल पर इसको चिपका सकते हैं और इसका ग्लो भी काफ़ी मजबूत होता है, ये आसानी से रिमूव नहीं होता। लेकिन आपकी दीवार आप उसी हिसाब से हो, ये डस्ट के साथ अगर चिपकाने के बाद हटाओगे तो वापस ये चिपकेगा नहीं, इसलिए आप डिसाइड कर ले कि पहले कहाँ चिपकाना है। तो ठीक है, इसको रिमूव करके हम लगा के देखते हैं किस तरीके से ये दिखता है। तो फ्रेंड्स, मैंने एक पोर्शन अभी चिपका दिया है जो आप देख सकते हो, ये इस तरीके से लेयर, और मुझे इस पोर्शन में पूरे में मुझे ये चिपकानी है। ठीक है, तो अभी ये पोर्शन कंप्लीट हुआ है और आपको बता देते हैं कि ये देखिए, ये नीचे तक मुझे इसको चिपकाना है, जितना आ सके उतना मैं इस स्टिकर में कवर करूँगा। तो अभी एक पार्ट चिपकाया है मैंने, ये देखिए, देख सकते हो आप कितना बड़ा दिख रहा है, लुकिंग ही चेंज हो गई है वाल की। ठीक है, और इसमें ये पीछे की तरफ एक पेपर निकलता है स्टिकर में, इसको हमने हटा दिया, रिमूव कर दिया। और ये स्टिकर वाटरप्रूफ है, गंदगी वगैरह भी हो जाती है तो कपड़े से साफ कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको कंप्लीट करके आपको फिर बताते हैं, तो रेगुलर वीडियो बने रहे। तो फ्रेंड्स, मैंने फाइनली हमारे ये 40x600 सेमी का वाल स्टिकर चिपका दिया है। और ये मेरा स्मॉल साइज का कमरा था, ये ज़्यादा बड़ा साइज का नहीं था और इसमें ये आधा आ पाया है। ये देखिए, आप नीचे देख सकते हो कितना एरिया छूट गया है, कितना एरिया कवर नहीं कर पाए हम। और ये टांड के जस्ट नीचे वाला एरिया हमने कवर किया है, देखिए ये भी पूरा नहीं है, लगभग फिर भी काफ़ी पोर्शन इसमें हो गया है। देखिए आप दूरी से देख सकते हो, और एक अलग ही लुक नज़र आ रहा है इस दीवार का। देखो गैप अप मैंने इसको काट काट के लगाए हैं, इतने इतने एरिया में लगाए हैं, आप देख सकते हो ये बीच बीच में, लेकिन आपको नज़र नहीं आएंगे ये चीज़। ठीक है, यानी लंबाई ये है, चौड़ाई 40 है, 40 तो चौड़ाई और लंबाई 60, तो इनको टुकड़े कर करके मैंने इस तरीके से जमाया है। यदि आप बड़े साइज़ का रूम है और उनको कवर करना चाहते हैं नीचे तक, तो आपको दो रोल मंगाने होंगे। और यदि आपका बिग साइज़ का होल है और एक पोर्शन को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको 40x600 सेमी के 4 रोल कम्प्लीटली मंगाने पड़ेंगे, जिसके बाद आपका पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा वाल कवर हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो, और यदि आपको ये स्टिकर पसंद आया तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। और अदर सजेस्ट में भी आप देख सकते हैं इसके मुकाबले और कौन से बेटर आ रहे हैं स्टिकर, ये तो मैंने डेमो के तौर पे लिया है, आपको जो पसंद आए वो ले सकते हैं, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। और मेरा वीडियो पे अगर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।